आर जी 20 भी किसी को लीड कर रहा है भाई जान। तो 4 इसमें मैं ट्रेवल करूँगा, सीट नंबर 62। गेट इन बावलपुर का आर जी 20 भी किसी को लीड कर रहा है भाई जान। पावर बैंक एयर कंडीशन स्लीपर, एयर कंडीशन स्टैंडर्ड, बिजनेस क्लास, दिस इज स्टैंडर्ड। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड। आर जी 20 कैसे लीड कर सकता है इस पर यार? क्लास इसके मैं एसी स्टैंडर्ड में लोयर एसी लोयर में ट्रैवल करूँगा रोहरी जंक्शन से लेके बावलपुर रेलवे स्टेशन तक। देखते हैं कहाँ पे मिलती है और ये खूबसूरत आवाज़ें, रोटी आ जाओ, रोटी आ जाओ। कंडीशन लोयर तो ढूंढ लें, पीछे है काफ़ी। नंबर 4 इसमें मैं ट्रेवल करूंगा, सीट नंबर 62। गेट इन पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी डिपार्चर शू और मेरा जो डिपार्चर है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस पे ही है। 45 फाइव आराम से, आराम से देखो।
45 का डिपार्चर शू ट्रेवल जो मेरा यहाँ से बावलपुर तक तकरीबन घंटा सवा घंटा लेट है ये अपने स्केड्यूल टाइम से। हेलो वीडियो बनाएंगे और थोड़ी देर अब आराम करेंगे, बहुत हो गया सारा दिन यार। रोहरी जंक्शन बस कर दें, सिर्फ एक मिनट और दे दें मुझे, एक मिनट और दे दें, एक मिनट और दे दें। ये चलें ये बावलपुर का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे अब वेट किया जाएगा जो है हमारी कराची एक्सप्रेस का। अभी तो फौरन बाद इसके 41 अप है, कराची एक्सप्रेस सुबह करीब 6 बजे पहुँचेगी, क्योंकि कराची एक्सप्रेस का जो पहुँचने का टाइम था उस पर पाकिस्तान एक्सप्रेस पहुँच रही है 2 घंटे तकरीबन, हर ट्रेन लेट है 2 घंटे। ये जी पाकिस्तान एक्सप्रेस बावलपुर रेलवे स्टेशन पर, इस
इसको लीड कर रहा है U40 9020। सिग्नल तो ग्रीन है, देखें डिपार्चर कब होता है। तो काफ़ी देर से ग्रीन है, अभी इसे विसल देनी है और मैं डर रहा हूँ। मालपुर रेलवे स्टेशन 9020। मैं गया डर, हल्की बारिश भी स्टार्ट है। ये हम दोनों अपोजिट साइड पर ट्रैवल करेंगे। Yeah.